हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड एनसी। रेडमी नोट 10 का हैंड ऑन इमेज लीक हो चुका है दोस्तों, जिससे हमें इसके फ्रंट और बैक डिजाइन के बारे में पता चला है। साथ ही साथ इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ रेडमी नोट 10 के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेडमी नोट 10 से रिलेटेड सारे अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेडमी नोट 10 के डिजाइन के बारे में दोस्तों। तो रियर साइड से आपको प्लास्टिक बॉडी डिजाइन देखने को मिलेगा विद ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ। साथ ही रियर साइड से आपको सर्कुलर शेप में कैमरा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से आपको पंच और नॉच डिजाइन देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं रेडमी नोट 10 के डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको 6.57 इंच का फुल HD प्लस IPS सेंसिटिव वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और फोन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको पंच और नॉच दिया गया, जहां पर फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड माउंट में देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे रियर साइड से आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा रेडमी नोट 10 में। जो मेन कैमरा वो आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब बात करते हैं Redmi Note 10 के हार्डवेयर के बारे में दोस्तों। तो लीक इमेज से ये पता चला है दोस्तों कि इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है वो 2.4 GHz के क्लॉक स्पीड पे बेस्ड है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोसेसर हैं जो कि 2.4 GHz के क्लॉक स्पीड पे बेस्ड है। MediaTek का Dimensity 820, MediaTek का Dimensity 720, और रिसेंटली MediaTek ने एक और चिपसेट लॉन्च किया है जो कि MediaTek Dimensity 800U। ये भी जो चिपसेट है ये 2.4 GHz के क्लॉक स्पीड पे बेस्ड है। साथ ही साथ स्नैपड्रैगन का 765G वाला जो चिपसेट है ये भी 2.4 GHz के क्लॉक स्पीड पे बेस्ड है। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि Redmi Note 10 में आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से Redmi Note 10 में आपको MediaTek का Dimensity 800U वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek ने रिसेंटली लॉन्च किया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको Android 10 जो है आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद MIUI 12 के साथ। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें दोस्तों, तो इस टाइम आपको 6GB रैम एंड 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएगा Redmi Note 10 में। साथ ही यहाँ पे आपको 64GB एंड 128GB वाला इंटरनल देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं Redmi Note 10 के बैटरी के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे आपको 27W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 6GB रैम एंड जो 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज होगा, इसका प्राइस आपको 14,999 पड़ेगा। लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों, तो फिलहाल इस स्मार्टफोन का लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, बट लीक के हिसाब से ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन अक्टूबर के महीने में ही लॉन्च होने वाला है। तो ये कुछ बातें थे Redmi Note 10 से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको Redmi Note 10 से रिलेटेड सारे अपडेट देने वाला हूँ। साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।